हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं खुंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट के बदलापुर रीजन में स्थित है। तो अभी जस्ट बारिश हो रहा था और अभी जस्ट थमा है, और आप क्लाइमेट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप भी यहाँ पर आने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, नज़दीक का रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर जा सकते हो। तो ऐसी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। तो आप जैसे जाएंगे ना, तो आपको ऐसे बीच में ना आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इधर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, श्री क्षेत्र कुंडेश्वर देवस्थान, और आपको ऐसी स्ट्रेट जाना है। और आसपास के आप नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी देखने मिलता है आपको। और ये सामने देखिए, बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है यहाँ पर, जो कि बहुत लाइटली दिख रहा है, आँखों से आप देख सकते हो लेकिन कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते, काफ़ी दूर है। ये देखिए नज़ारे यहाँ से। तो आप अगर कुंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे रहेंगे तो आप ये बोच डैम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच रास्ते में ही पड़ता है। तो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और जहाँ तक सेफ रहेगा ना वहीं तक जाएंगे हम, लाइफ को रिस्क में नहीं डालना है आपको भी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप दूर से भी नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम नज़दीक जाओगे तभी अच्छा लगेगा, आप दूर से भी व्यू को एंजॉय कीजिए, क्योंकि पानी का फ्लो का ना कुछ भरोसा नहीं है, और बारिश भी हो रहा है तो फ्लो कभी भी बढ़ सकता है। अभी बारिश कम है इसके लिए फ्लो नॉर्मल है, फिर भी आप जाइए मत, आप दूर से ही एंजॉय कीजिए। तो हम भी खाली दूर से एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये डैम से जो पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और फ्लो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, फ्लो है, ये देखिए सामने का फ्लो। तो आप कृपया करके अंदर मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर एंजॉय करके, क्योंकि अभी हम बहुत अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है। जैसे जैसे लेट होगा ना वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ जाती है, और यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 2 किलोमीटर। अभी हम पहुँच गए हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर के एंट्रेंस पॉइंट पर। तो ठीक, ये सामने से ही है एंट्री गेट, और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे रहेंगे ना तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी है, तो यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं, और ठीक यहाँ पर सामने ही वॉशरूम फैसिलिटी भी दिया है। तो गाइज़, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर आने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन बदलापुर रेलवे स्टेशन है, जो कि सेंट्रल रेलवे लाइन में पड़ता है। तो जैसे आप बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाओगे ना, बदलापुर से खुंडेश्वर महादेव का टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 8 किलोमीटर्स। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ना आपको ऑटोज़ भी मिल जाएगा, जो 200 रुपीज़ पर ऑटो का लेते हैं और आपको यहाँ तक छोड़ देंगे, और एक ऑटो में मैक्स टू मैक्स 4 लोग को उन लोग बैठाते हैं, तो पर पर्सन आपका 50 रुपीज़ हो सकता है अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो। और अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो आप गूगल मैप पर डाल सकते हो खुंडेश्वर महादेव टेम्पल बदलापुर, और आप प्रॉपरली इस लोकेशन तक पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप खुंडेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच सकते हो। तो मंदिर जाते समय ना आपको यहाँ पर है ना ऐसे फूल वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से फूल वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ना प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा आपको, ठीक मंदिर के सामने ही है ये शॉप। यहाँ पर से चिप्स वगैरह, पानी का बॉटल सब मिल जाएगा आपको। आपको सामने एक छोटा सा वाटरफॉल देखने मिलेगा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप यहाँ पर भी जाके एंजॉय कर सकते हैं।
अभी तो पानी का फ्लो कम है, लेकिन जिस टाइम पे बारिश ज़्यादा होता है ना, तो ये फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है प्रवेश द्वार, आपको यहाँ से बस एक मिनट वॉक करके जाना है और ठीक सामने ही है मंदिर। हर हर महादेव बोलते बोलते जाइए मंदिर तक। कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के कोंडेश्वर गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। तो ये देखिए गाइस, ये है सामने मेन एंट्री गेट, यहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर लोगे, जहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग है। तो भक्त जो भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर सूचना दिया गया है, तो आप ये रीड कर सकते हैं। यहाँ पर दान पेटी है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह मंदिर हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस मंदिर में आपको कई देवी और देवताओं के भी दर्शन मिलते हैं। मंदिर में आप जैसे प्रवेश करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के भी दर्शन करने मिलते हैं। तो यहाँ सारे आप देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरा मंदिर का अंदर का प्रीमाइसेस है, तो काफ़ी स्पेस भी है। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन ध्यान भी कर सकते हैं। तो ठीक, आपको यहाँ से नीचे की ओर जाना है और नीचे ही महादेव जी का शिवलिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदी जी हैं, तो आप नंदी जी के भी दर्शन कर लीजिए और चलिए फिर अब नीचे की ओर। हर हर महादेव। तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है अंदर, लाइट बिल्कुल नहीं है, और ठीक सामने ही शिवलिंग है, तो आप दर्शन कर लीजिए। तो मैं दीप के ज्योत से आपको दिखाता हूँ शिवलिंग की, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये देखिए, ये सामने शिवलिंग है, आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर श्रावण और महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव के भक्तों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो हमारा महादेव जी के दर्शन करके हो गए, और अभी इस बगल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, और ठीक सामने ही वाटरफॉल भी है, लेकिन अभी यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। श्री कोंडेश्वर मंदिर से आपको कोंडेश्वर वाटरफॉल और कोंडेश्वर लेक का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। और यह मंदिर चारों ओर हरियाली, पहाड़ और झरनों से घिरा हुआ है। झरनों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा महीना अगस्त से अक्टूबर का है। मंदिर के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ से आपको दिखता है ये वाटरफॉल, आप देख सकते हैं फ्लो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से आप अभी व्यू एंजॉय कीजिए। तो ये जो वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया था पहले मंदिर प्रवेश करने के पहले, ये छोटा सा वाटरफॉल है, तो अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको व्यू दिखाते हैं वाटरफॉल का, थोड़ा ऊपर तक जाते हैं, मेरा दोस्त गया है ऊपर तक, तो वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम जस्ट थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से पूरा बह रहा है पानी, ये छोटा जो वाटरफॉल दिखाया था मैं, ठीक यहाँ पर है मंदिर, ये है कोंडेश्वर लेक, और इस बगल आप देख सकते हैं पूरा वाटरफॉल का रेंज है, और ये जो है ये पूरा माथेरन का माउंटेन रेंज है। तो आप भी चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली आना, क्योंकि जो रॉक है ना वो बहुत स्लिपरी है, तो बहुत संभाल संभाल के आना, छोटा सा ही है, 2 मिनट लगेगा आपको ऊपर तक आने के लिए,
यहाँ पर आप बैठ के थोड़ा सा नेचर में एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखो आप व्यू देखिए पीछे का। और यहाँ पर एक छोटा सा गांव भी बसा है यहाँ पर, ये देखिए ये सामने गांव है। अभी हम जा रहे हैं कोंडेश्वर बाबा जी की समाधि के दर्शन करने के लिए। तो ये जो ब्रिज है ना, आप ठीक से देख सकते हो, यहाँ मंदिर है और ये ब्रिज से आपको जाना है और समाधि ठीक सामने ही है। तो ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहीं पे है श्री कोंडेश्वर महाराज जी की समाधि। तो यहाँ पर उनका जन्म और मृत्यु का डेट भी लिखा गया है। और मंदिर के जस्ट पहले ही है, और मंदिर ठीक यहाँ पर है महादेव जी का। और इस ब्रिज से आपको आना है समाधि के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप आपको कोंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको एक नए ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोंडेश्वर महादेव मंदिर।